और चले खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर 2 दिवसीय दौरे पर नागौर के सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान बिजली बोर्ड के अधिकारियों समेत बीजेपी के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। ऊर्जा मंत्री नागर ने नागौर सर्किट हाउस में मंडल अध्यक्षों के साथ खीवसर उपचुनाव को लेकर संगठन की बैठक ली है और अजमेर विद्युत विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक बुलाई है। नागर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि आमजन को निर्बाध बिजली उपलब्ध करवाना हमारी प्राथमिकता है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने यह भी कहा है कि राजस्थान ऊर्जा विभाग में कनिष्ठ अभियंता टेक्नीशियन समेत अन्य पदों पर 1100 पदों पर यहां भर्ती होगी। कुछ दिन पहले खीवसर उपखंड में बिरलोका गांव के पंचायत गुलासर में नवनिर्मित 3150 केवी जीएसएस के उद्घाटन को लेकर बीजेपी के नेताओं को नहीं बुलाने पर डिस्कॉम के 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था। उसी को लेकर ऊर्जा मंत्री नागर ने कहा कि सरकार के बिना परमिशन के अगर कोई भी जीएसएस का उद्घाटन करेगा तो उसे यहाँ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी उस पर। सुधार होना चाहिए, चाहे वो वहाँ जो जीएसएस ओवर लोडेड हैं, वहाँ नया ट्रांसफार्मर स्वीकृत है और वो समय पर नहीं लग पा रहा है, तो वो जल्दी से जल्दी वो ट्रांसफार्मर नया अकोमोडेशन हो जाए, वहाँ जल्दी लग जाए, ताकि किसानों को आने वाले समय में जब हमारा रबी का सीजन आने वाला है उस पर समस्या ना हो। इसके लिए मैंने सभी अधिकारियों को कहा है कि जितने भी हमारे जीएसएस भी जो पाइपलाइन में हैं, जो बनने के लिए तैयार हैं और जिन पर कहीं कोई अगर बनने में कोई देरी हो रही है तो उसको जल्दी से जल्दी बना करके और उनको चालू किया जाए। तो ऐसे 4 जीएसएस ऐसे हैं जो जिन पर काम चल रहा है और वो आने वाले समय में शीघ्र चालू होंगे, तो उसका लाभ भी यहाँ की खीवसर की पूरे क्षेत्र की जनता को मिलेगा।